लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर ने आज भोपाल में बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कई कांग्रेसियों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली। सैयद जाफर मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव होने के साथ मीडिया पैनलिस्ट भी रहे। मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में जाफर भाजपा में शामिल हुए। सैयद जाफर के साथ दमोह व पन्ना, उज्जैन, रतलाम सहित अन्य क्षेत्रों के कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, लोकसभा चुनाव के प्रभारी सतीश उपाध्याय और न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सभी को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर भाजपा में स्वागत किया। पूर्व प्रचारक रीवा के अभय राज सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ली। जाफर के साथ 64 अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा की लहर चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर कई लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही और जितनी बड़ी एक तरह से लाइन है कि हमको अपने परिवार में सम्मिलित करने में भी लिमिटेड लोगों को, माननीय सतीश जी यहाँ मौजूद है, भगवान दास जी है, बंटी भाई है, बंटी आप तो आप आगे बढ़ो, पूरा छिंदवाड़ा आपके साथ है, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे चिंतन मालवीय जी, आशीष जी, संदर पटेल जी, सारे मित्रों के साथ आज मैं सभी लोग, खास करके हमारे शहीद भाई, फिर ये मनीषा दुबे जी, पथरिया की बहन जी, हमारी प्रदेश की अभी कांग्रेस की महामंत्री है, और हमारे परिवार में ही मैं आपका स्वागत करता हूँ। दिनेश श्रीधर जी, बड़े नेता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत करता हूँ। और आलोट का तो रतलाम जिले में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सब खाली कर दिया, कोई बता ही नहीं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर, पथरिया के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश श्रीधर, कांग्रेस महामंत्री डॉक्टर मनीषा दुबे, रतलाम जिला पंचायत सदस्य संतोष पालीवाल, बसपा के प्रदेश प्रभारी व प्रदेश महासचिव डॉक्टर राम सखा वर्मा, आईटी सेल महामंत्री अंकित पुरवाल आदि ने विधिवत भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस अवसर पर कांग्रेस के सैयद जाफर ने भी मोदी की रीति नीति को देश को आगे बढ़ाने वाला बताया। सबका साथ सबका विकास, मेरी कमलनाथ जी को लेकर कोई शिकायत नहीं है, वो पूर्व में भी मेरे पितातुल रहे हैं, आज भी मेरे पितातुल हैं और भविष्य में भी मेरे पितातुल रहेंगे। लेकिन वर्तमान में छिंदवाड़ा के अंदर बंटी साहू जी, जो पिछले 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ जिन्होंने जनाधार बनाया वहां पर, और आज जो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर जो डर बना हुआ है, उसका एक कारण बंटी साहू जी की सक्रियता है। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि मेरे 30 साल की राजनीति में मैंने पार्टी को दिया है, पार्टी ने जो मुझे पद दिया है वो मेरी कार्यक्षमता से बहुत कम दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।